सुजी महाराज कहते हैं पितामह का पंच भौतिक शरीर छूटा, पांडव गुलाब करने लगे तो भगवान ने कहा महापुरुष की प्रणाम पर कभी रुदन नहीं करना चाहिए, प्रभु के नाम का कीर्तन करना चाहिए, प्रभु के नाम का गुणगान करना चाहिए। लौट कर कृष्ण आए हैं, भगवान ने द्वारिका जाने का भाव रखा। युधिष्ठिर जी महाराज समस्त पांडवों से मिलकर भगवान द्वारिका की यात्रा के लिए चले हैं। द्वारिका वासियों को पता चला 7 तोरण दरबार बनाए हैं। द्वारिका वासी कुल की स्त्रियां मार्ग पर खड़ी हो गई और भगवान की शोभा यात्रा आ रही है और ये नारियां पुष्प वृष्टि कर रही हैं। द्वारिका वासियों ने भगवान का स्वागत किया है। आइए आप और हम भी अपनी देहपुरी द्वारिका में भगवान का स्वागत करते हैं, जहां पर ठाकुर द्वारिकाधीश अपनी कृपा बरसाते हैं। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम चाहते हैं, वो सभी लोग हाथ उठाएं। जिनको प्रभु प्यारा लगता है और उसको हृदय में विराजमान करना चाहते हैं, वो दोनों हाथ उठाकर बड़े ही प्रेम के साथ हरि Krishna
द्वारिकाधीश भगवान की जय। द्वारिका वासियों ने भगवान का स्वागत किया, बड़े बड़े तोरण दरबार बनाए, कुल की स्त्रियां द्वार पर खड़ी हुई हैं। प्रसादा शिखरारूढ़ा की स्त्रियां मार्ग में पुष्प वृष्टि कर रही हैं। द्वारिका में भगवान द्वारिकाधीश का प्रवेश हुआ है, द्वारिका वासियों ने स्वागत किया और जैसे ही द्वारिका भगवान पहुंचे तो वसुदेव और देवकी सामने खड़े हैं। पुत्र का स्वागत करने के लिए भगवान रथ से नीचे उतरे हैं और उतर कर जाकर माता पिता के चरणों में वंदन किया है। कहता है प्रातः उठ करें माता पिता गुरु को जरूर वंदन करना चाहिए, इससे जीव के जीवन में यश और कीर्ति का वेग प्राप्त होता है। शास्त्र कहता है अभिवादन व्यक्तियों के जो चरणों में वंदना करता है उसको जीवन में चार चीज की प्राप्ति होती है। ये चार चीज क्या है? आयु, विद्या, यश और बल। इन चार चीजों की प्राप्ति होती है। सामने वाले का भाव हो ना हो, आशीर्वाद देने का हमारा काम है चरण वंदन करना, और हमने यदि भाव से चरण वंदन किया तो सामने वाले के भाव में परिवर्तन हो सकता है, परंतु वहां से पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, आशीर्वाद रूप में आएगा। आयु, विद्या, यश और बल, इसीलिए वेद कहता है अभिवादन शीलस्य नृत्यं मृधोपसेवनम् चत्वारा यशस्य वर्धन्ते आयु, विद्या, यशोर्बलम्। अभिवादन व्यक्ति के चरणों में वंदन करने से चार चीजों की प्राप्ति होती है, आयु, विद्या, यश और बल। इसीलिए शास्त्र कहता है वो माता पिता अपने पुत्र के शत्रु हैं जिसको सुंदर शिक्षा न दे सके। माता शत्रु पिता बैरी येन बालो पाठित। जो अपने बच्चे को सुंदर पाठ ना दे सके वो माता पिता अपने पुत्र के शत्रु हैं, बैरी हैं। इसीलिए अच्छी सुंदर शिक्षा दीजिए, क्योंकि शास्त्र कहता है जीवन में झुकना चाहिए। हम मंदिर में जाकर ठाकुर के सामने झुकते हैं, क्यों? क्योंकि समर्पण भाव है। ठीक इसी प्रकार से अपने से बड़ों के सामने समर्पण भाव होना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। हाय हेलो ये हमारी सभ्यता नहीं है, हाय हेलो पश्चिमी सभ्यता है। हमें हमारी सभ्यता से भावार्थ करना चाहिए। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ फोन पे लगे रहते हैं, हाय हेलो, अरे आप वैष्णव हैं, आप सनातनी हैं, आपकी सभ्यता है। हमारे यहाँ राम राम जी कहा जाता है या राधे राधे या जय श्री कृष्ण। अरे कितना सुंदर भावार्थ है। अगर हम किसी से बात करें फोन पर जय श्री कृष्ण, सामने वाले का भाव कुछ भी हो परिवर्तन हो जाएगा।
कृष्ण के नाम में इतनी शक्ति है। नाम की महिमा महान है मेरे भाई बहन। इस नाम को हर व्यक्ति गा नहीं सकता। मानस में बाबा ने कितना सुंदर भावार्थ किया है, अरे उस राम के नाम का मैं क्या वाखान करूं, किन शब्दों में मैं बोलूं। कहूं कहां लगी नाम इसलिए प्रातः उठने के बाद माता पिता को वंदन करना चाहिए। यही हमारी सभ्यता है, यही हमारी संस्कृति है मेरे भाई बहन। जीवन में झुकना सीखो, अकड़ो मत, कहीं ऐसा ना हो आपके अकड़ने के चक्कर में रीढ़ की हड्डी अकड़ जाए। और जिस दिन रीढ़ की हड्डी अकड़ गई, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाना, उसके पास उसको ठीक करने का इलाज नहीं होगा। इसीलिए जितना झुकोगे हड्डी में उतना जंपिंग होता रहेगा, अच्छा रहेगा। और जिस दिन जंपिंग बंद हो गया ना, ऐसे पड़े रहोगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है, रात को बेड भी फोल्डिंग करते हैं, ऐसे सो जाते हैं। क्यों? ऐसे कर ही नहीं सकते। जिसकी ये काम ना करती है ना, जरा उससे पूछो कैसा जीवन है, बोले बेकार है, जीने का भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए परमात्मा ने दिया है तो उसको जंपिंग कराते रहो, झुकते रहो। झुकना जीवन में मार्ग दिखाना है। जिस दिन झुकना बंद करोगे जीवन समाप्त हो जाएगा, फिर कोई झुका नहीं पाएगा। इसीलिए शास्त्र कहता है, सुखा काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, नमन्ति फलो न वृक्ष, नमन्ति गुणोर्जन। सुखा काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। अरे मूर्ख किसी के सामने क्या नमन करेगा? क्यों? क्योंकि वो मूर्ख है, उसको कुछ आता ही नहीं। किसी के सामने क्या झुकेगा? झुकता तो वो है जिसके अंदर गुण विद्यमान होते हैं,
जिस प्रकार से एक वृक्ष के फल अत्यधिक होने पर वृक्ष नीचे की ओर झुक जाता है, ठीक इसी प्रकार से जीव के अंदर के गुण रूपी फल कब दिखाई देते हैं? जब जीव झुकता है। जिसने झुकना ही नहीं सीखा हो वो किसी के सामने क्या झुकेगा? इसीलिए शास्त्र कहता है परमात्मा माता पिता गुरु को वंदन करते हैं। इसीलिए नित्य प्रातः उठकर माता पिता को वंदन किया करो। ये अभिमान माता पिता के सामने से खत्म कर दो। किससे अभिमान करते हो? जिसने तुम्हें जीवन दिखाया है, जिसने तुम्हें जीवन में चलना सिखाया है, उसके सामने अभिमान करते हो? कभी विचार किया है अगर ये ना होते क्या ये सृष्टि तेरी होती? कदापि नहीं। इसलिए माता पिता को नित्य वंदन करो। और शास्त्र ये कहता है उनका कहना मानो। ये संस्कृति और सभ्यता है। दाते काल उठे कर रघुनाथ, दाते काल उठे कर रघुनाथ, दाते काल उठे कर रघुनाथ, दाते काल उठे कर रघुनाथ। माता पिता को वंदन करना चाहिए। द्वारिकाधीश ने अपने माता पिता को वंदन किया, द्वारिका वासियों को वंदन किया कि मेरे यहाँ न रहने पर आपको पीछे से कोई तकलीफ तो नहीं हुई? द्वारिका वासियों ने कहा हे द्वारिकाधीश और तो कोई तकलीफ नहीं हुई, एक तकलीफ जीवन में बनी रही, क्या आपका दर्शन नहीं हुआ? भगवान ने कहा मैं आ गया हूं, अब चिंता नहीं करो। सुजी महाराज कहते हैं भगवान चले गए द्वारिका, जिस बच्चे की गर्भ में रक्षा की थी आज उसने हस्तिनापुर में जन्म ले लिया है। परंतु ये सृष्टि का ऐसा अद्भुत बालक है जिसने जन्म बाद में लिया है और प्रभु का दीदार पहले कर लिया है। मेरे भाई बहन, उत्तरा का ये पुत्र पहला पृथ्वी का ऐसा पुत्र है जिसने ईश्वर का गर्भ में दर्शन किया है। आज जैसे इसने जन्म लिया और जैसे इसने आंखें खोली, सृष्टि में एक बार देखा, नेत्र बंद कर लिए और रोने लगा। युधिष्ठिर की महाराज चिंतित हुए, ब्राह्मणों को बुलाया, दिनचर्या दिखाई और ब्राह्मणों से पूछा ये बालक आंख क्यों नहीं खोल रहा है? तो ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर वंदन किया, राजन धन्य है ये बालक, राजन ये बालक आंखें इसलिए नहीं खोल रहा है कि जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की वो इस भीड़ में न जाने कहां खो गया है। जब तक वो नहीं आएगा जब तक ये बालक आंखें खोलने वाला नहीं है।
जैसे ही भगवान द्वारिकाधीश को पता चला, भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका से लौट कर आए हैं, छुछक लेकर आए हैं उत्तरा का, और उत्तरा के इस बालक को जैसे गोद में लिया, और जैसे ही द्वारिकाधीश की गोद में ये बालक आया, खिलकारी मार कर हंसने लगा, और जैसे ही नेत्र खोले, भगवान ने इसका नाम परीक्षित रख दिया। जिस जीव को देखकर बालक परीक्षा लेता है उसका नाम परीक्षित होता है। उत्तरा के पुत्र का नामांतरण कर भगवान लौट कर द्वारिका गए हैं। इस बार जब द्वारिका गए तो द्वारिका श्रापित हो चुकी थी संतों के श्राप से, और भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम मेरा एक काम करोगे? कहा बोलो केशव, क्या काम है? कहा तुम मेरी पत्नियों को लेकर चले जाओ। क्यों? क्योंकि द्वारिका का विनाश का समय आ गया है। सुजी महाराज कहते हैं, अर्जुन कृष्ण पत्नियों को लेकर चला है, इधर यदुवंशों का विनाश हुआ, और भगवान ने द्वारिका को पल्लकारी समुद्र में विलीन किया। देवता स्तुति करते हैं, देवता टकटकी लगाकर देखते हैं कि परमात्मा लीला को पूर्ण करके कहां जाने वाले हैं, परंतु सुजी महाराज ने सोनक ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, मेरे प्रभु द्वारिकाधीश द्वापर की लीला को पूर्ण करके सूक्ष्म भाव से श्रीमद् भागवत में विलीन हो गए। समस्त देवताओं ने जय जयकार किया है। बोलिए भागवत भगवान की जय। भागवत में विलीन हुए हैं भगवान द्वारिकाधीश। सुजी महाराज ने यदुवंशियों के विनाश का संक्षिप्त में वर्णन किया। मेरे भाई बहन, यदुवंशियों के विनाश की कथा श्री सुखदेव मुनि के श्रीमुख से गंगा के तट पर हम अंतिम दिवस सुनेंगे। इस कथा का यहाँ पर संक्षिप्त में वर्णन आता है। संक्षिप्त में इस कथा का वर्णन हम और आप ग्रहण किया। सुजी महाराज कहते हैं, लौट कर अर्जुन जब आया कृष्ण पत्नियों को लेकर, जैसे बांधीर वन से निकला, भगवान द्वारिकाधीश कोल भील बन के कृष्ण पत्नियों का हरण कर लेते हैं, और अर्जुन देखता रह जाता है। जिस अर्जुन के गांधीर पर हाथ का स्पर्श होने के साथ अच्छे अच्छे योद्धाओं की गांडीव छूट जाती है, वो अर्जुन आज नित्यांत जंगल में पागल की तरह खड़ा है, और कोल भील कृष्ण पत्नियों को छुड़ा कर ले गए। सूर्य महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, पुरुष कभी बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। अगर पुरुष बलवान होता तो वही अर्जुन था, वही गांडीव था, गोलवील कृष्ण पत्नियों को छुड़ा कर ले गए, और अर्जुन खड़ा देखता रहा। इसीलिए शास्त्र कहता है, पुरुष नहीं बलवान जगत में, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गो अगर पुरुष बलवान होता तो वही अर्जुन था, गांधी भी धरा रह गया, अर्जुन भी धरा रह गया।
इसलिए मेरे भाई बहन समय बलवान होता है। भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण, निहत्ता हो गया अर्जुन। लौट कर जब आया हस्तिनापुर, भाइयों ने देखा तो आज अर्जुन के मस्तिष्क का तेज क्षीण हो गया। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन एक राजा के मस्तिष्क का तेज कब क्षीण होता है? जब राजा के द्वारा अपराध हो जाए। परंतु अर्जुन मैं जानता हूं मेरा भाई कोई अपराध नहीं कर सकता, फिर ऐसा कैसे हुआ? अर्जुन ने बड़ा सुंदर भावार्थ किया है, भैया जिस कृष्ण की कृपा से हमारे नैनों में चेतनता थी वो नैन के तारे चले गए, श्री कृष्ण हमारे चले गए। जिस कृष्ण की कृपा से यह जीवन था वो जीवन का प्यारा चला गया, श्री कृष्ण हमारा चला गया। भैया जिस कृष्ण की कृपा हम पर थी वो कृपावान कृष्ण चला गया। जैसे माता कुंती ने सुना राम कही राम कही राम कही पर राम, कृष्ण कृष्ण करते हुए पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। पांचों पांडवों ने कुंती का संस्कार कराया, कराने के उपरांत पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर राज्य का त्याग कर दिया और स्वर्गारोहण यात्रा पर चले गए। इधर परीक्षित छोटा था, राजगद्दी पर विराजमान कर दिया। कहा बेटा राजा का धर्म है धन कमाकर प्रजा में लगाना, और शत्रु शरण में आ जाए तो उसे क्षमा कर देना। सुजी महाराज कहते हैं परीक्षित का राज्य बड़े ही सुयोजित रूप से चलता है। परीक्षित के चार पुत्र हैं, सबसे बड़े जन्मेजय हैं। परीक्षित ने एक दिन मन में विचार किया, जीवन का आधा समय बीत चुका है, आधा रह गया है। बाबा लोगों ने इतना खजाना एकत्रित कर रखा है, सब राजकोष में पड़ा हुआ है। आज परीक्षित ने राजकोष को खुलवाया और जैसे राजकोष खुला उसमें एक बड़ा संदूक था और उस संदूक में एक सुंदर मुकुट था। उस मुकुट को परीक्षित ने अपने शीश पर धारण कर लिया। जैसे शीश पर धारण किया आज राजा के मन में भाव आया कि मुझे वन में जाना है। आज राजा परीक्षित वन में गए तो वन में एक राजा ने दृश्य देखा। क्या कि एक गाय खड़ी है, उसके सामने एक बैल खड़ा है जिसके तीन पग कटे हुए हैं, एक पग सुरक्षित है। गाय बैल से पूछ रही है, स्वामी तुम्हारा ये पग किसने काटे? और देखो बैल गाय को उत्तर दे रहा है, देवी मैं किसका नाम लूं? अगर मीमांस लोगों की बात अगर है ध्यान में रखूं तो वो ये कहते हैं जिसका जैसा कर्म होता है फल उसको वैसा ही मिलता है, तो देवी मैं किसी का क्यों नाम लूं? हो सकता है मेरा प्रारब्ध खराब हो, मेरे कर्म खराब हो, इसीलिए मुझे ये समय भोगना पड़ रहा है। इसीलिए मेरे भाई बहन संसार में ये चिंतन करो, जब भी आपका अच्छा समय आए तो आपकी अपनी वजह से आता है और खराब समय भी आता तो आपकी अपनी वजह से आता है। वो अपने आपके कर्म के आधार पे है। शास्त्र कहता है कर्मणे जायति जन्तु कर्मणः विलीयत्र एव। जो जीव जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। आप जैसा कर्म करेंगे फल आपको वैसा ही प्राप्त होगा।
कर्म प्रधान है। इसीलिए मानस कहती है कि कर्म प्रधान है, बिना कर्म के कोई कार्य हो नहीं सकता। कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा, 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 जो जस करही सोई फल जा, सब अपने कर्म के आधार पर भोगते हैं। इसलिए हे माँ मैं क्या बताऊं, हे देवी क्या बताऊं कि मेरे ये तीन पग किसने काटे हैं। ये चिंतन कर ही रहे थे, काल वहां पर प्रकट हुआ है। काल चाहता है कि ये बैल का चौथा पग जो है ये भी सुरक्षित ना हो। और मेरे भाई बहन मैं आपको बता दूं, ये बैल कोई और नहीं है, ये धर्म है। और ये गाय कोई और नहीं, ये पृथ्वी है। धर्म के जब तीन पग कट जाते हैं, पृथ्वी आकर आग्रह करती है, स्वामी आपके ये तीन पग कैसे कटे। धर्म कहता है मैं किसका नाम लूं, मेरे कर्म खराब होंगे। कहा ये जाता है सतयुग में धर्म के चार पग थे, सत्य दान दया और पवित्रता। सतयुग गया त्रेता आया, धर्म का एक पग जाता रहा। त्रेता गया द्वापर आया, धर्म के दो पग चले गए। द्वापर गया कलयुग आए, धर्म के तीन पग चले गए। अब अंतिम समय में बचा है तो केवल एक सत्य। और कलयुग चाहता है ये भी समाप्त हो जाए। इसलिए कलयुग धर्म का चौथा पग काटने के लिए आगे बढ़ा। तो सुत जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी महाराज ने ये दृश्य देख लिया। परीक्षित ने देखा कि ये लंबा चौड़ा पुरुष इस बैल का, इस धर्म का चौथा पग काटने जा रहा है। तो परीक्षित ने ये दृश्य देखा और आवाज लगाई, कौन हो और इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे तुम्हें इतना भी दया नहीं कि इनके तीन पग कट चुके हैं, तुम चौथे पग को भी काट रहे हो? ठहरो, मैं तुम्हें दंड दूंगा। और जैसे कली ने मुड़कर देखा, कली भयभीत हो गया, राजा परीक्षित यहां, अगर राजा को पता चल गया तो ये मुझे मार डालेंगे। कली ने मन में विचार किया कि अब तो मुझे सलेंडर होना हो जाना चाहिए। जैसे परीक्षित आए, कली ने कुछ भी नहीं देखा, जाकर चरण पकड़ लिए, महाराज मुझे क्षमा करो। और राजा परीक्षित ने कली को क्षमा कर दिया। राजा परीक्षित क्रोधित थे, परंतु बाबा लोगों की बात याद आ गई, शत्रु शरण में आ जाए तो क्षमा कर देना चाहिए। इसीलिए परीक्षित ने कली को क्षमादान कर दिया।
परीक्षित ने कहा, कली तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता। कहा, प्रभु कहाँ जाऊं, कहीं भी एक जगह निवास दे दो। तो परीक्षित ने निवास दिया है कली को चार चीजों में। ये चार चीज कौन सी हैं? दूतम पानम स्त्रे सुनम यत्र वर्ण चतुर्विधम। जहां जहां अनिष्ट कृत्य होते हैं वहां कली का वास होता है। जुआ जहां खेला जाता है वहां कली का वास है। मदिरा जहां पान की जाती है वहां कली का वास है। वेश्यावृत्ति जहां की जाती है वहां कली का वास है। और अनिष्ट का धन जहां एकत्रित रहता है वहां कली का वास है। परंतु ये चारों चीज परीक्षित के राज्य में नहीं होती। कली ने मन में विचार किया कि ये चारों राजा के राज्य से त्याग चुके हैं और जब तक राजा के राज्य में प्रवेश नहीं किया जाएगा तब तक राजा के जीवन में भी प्रवेश नहीं हो सकता। राजा के जीवन में प्रवेश होने से पहले हमें राजा के राज्य में प्रवेश होना पड़ेगा। और इसलिए पुनः एक बार आग्रह किया कली ने कि महाराज कृपा करो, कोई ये सब नीचे कर्म है, कोई एक तो ऊंचा कर्म दो। और राजा की बुद्धि विकृषित बन गई और राजा ने कह दिया, जाओ तुम्हारा सुवन में वास है। अब मीमांसु लोग यहाँ पर बोलते हैं, अगर राजा परीक्षित ने सुवन में ठाकुर को कली को वास दिया और उसी सुवन में ठाकुर का वास होता है, ये संभवत कैसे हुआ कि जिसे स्वर्ण को परमात्मा अपना वरण बताते हैं उसमें कली का वास? क्योंकि मेरे भाई बहन वेद उठाएंगे तो वेद में आता है ना, वैदिक कर्मकांडित ब्राह्मण कर्मकांड में आता है, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः प्रतिरेक आसीत्। हिरण्यगर्भ कहा गया है भगवान कृष्ण को, हिरण्यगर्भः। कृष्ण क्या है, विष्णु क्या है? हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ माने जिसके गर्भ में स्वर्ण हो वो हिरण्यगर्भ होता है। कृष्ण प्रभु के हृदय में गर्भ विद्यमान, गर्भ में स्वर्ण विद्यमान है, इसलिए वो हिरण्यगर्भ है। जहां पर है हिरण्य में प्रभु विद्यमान हो वहां कली प्रवेश कैसे करेगा? तो यहाँ सुचि महाराज सोनक ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, जिस सुवन में अनहित अनिष्ट से कमाया गया सोना उसमें कली का वास होता है। एक संत ने कहा, ऋषिवर परीक्षित ने कलयुग को जीवित ही क्यों छोड़ा? अगर कलयुग नहीं होता तो पाप भी तो नहीं बढ़ता, तो कलयुग को मार क्यों नहीं डाला? तो सुज जी महाराज बड़ा सुंदर भावार्थ करते हैं, हे ऋषियों, कलयुग में बहुत पाप है, सब कुछ है, परंतु जो त्रेता में जो द्वापर में नहीं हो सकता वो कलयुग में हो सकता है। क्या कलयुग में केवल नाम मात्र से जीव भव से पार उतर सकता है? जो त्रेता में नहीं हुआ, जो द्वापर में नहीं हुआ, वो कलयुग में सहजता से है। कलयुग में केवल नाम से भव पार उतर सकता है, मानस के आधार पे, बाबा के आधार पे। आइए आगे की कथा में भाववाद। कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल Oh,
किसी पाप का चिंतन करें उसका दोष नहीं लगेगा, परंतु यदि मन से एक बार आपने संताप का चिंतन किया तो उसका फल अवश्य आपको मिलेगा। ये कलयुग का परम प्रताप है। कलयुग में किसी पाप का चिंतन किया दोष नहीं, परंतु किसी कलयुग में मन से अगर प्रभु का एक बार चिंतन किया तो उसका पुण्य फल अवश्य मिलेगा। घर बैठे सुबह हाथ जोड़कर चिंतन करो कि मैं गंगा जी के तट पर जा रहा हूँ, गंगा स्नान कर रहा हूँ, गंगा स्नान करके आचमन करके घर पर लौट कर आया हूँ, निश्चित आपको गंगा स्नान का फल मिलेगा। 5 मिनट 10 मिनट का चिंतन आपको गंगा से जोड़ कर रखा है, उसका फल नित्य आपको मिलेगा अगर आप चिंतन में लाते हैं। परंतु मन से सोचे हुए पाप का फल आपको नहीं भोगना पड़ेगा। काली कर एक पुनीत ऋषियों से कहते हैं कि परीक्षित जी महाराज ने कली को क्षमा दान दिया है। जैसे कली को क्षमा किया, कली चरण का स्पर्श किया और चरण के स्पर्श से कली राजा की बुद्धि में प्रवेश कर गया। ऋषियों ने कहा, ऋषिवर ऐसा कैसे संभव हुआ? तो सुची महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, राजा ने जो मुकुट धारण कर रखा था, ये मुकुट जरासंध का मुकुट था और जरासंध दुष्ट दुराचारी था, इसलिए जरासंध का मुकुट विकारी मुकुट था, अनिष्ट का मुकुट था। और जैसे ही कली को क्षमा किया, परीक्षित ने कली ने परीक्षित का चरण स्पर्श किया,
चरण के माध्यम से मुकुट तक्कली पर प्रवेश किया और मुकुट के माध्यम से राजा की बुद्धि में प्रवेश कर गया। जो राजा संतों का आदर सत्कार करता था वो राजा आज एक बड़े संत का अपमान कर डाला। आज हमारे गुरुदेव का अपमान हुआ है। यहाँ के राजा परीक्षित ने आज गुरुदेव का अपमान किया है, आपके पिता का अपमान किया है। एक मृतक सर्प आपके पिता के गले में डालकर चला गया है। युवान साधु था, ब्रह्मचर्य साधु था, क्रोध आ गया, गंगा का जल हाथ में लिया, संकल्प किया, जिस राजा परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया है, जिस सर्प का दंश करके मेरे पिता के गले में डाला है, आज से ठीक 7 दिन बाद वही सर्प तक्षक बनकर, पूर्वज बनकर उनके और राजा परीक्षित का दंश करेंगे और राजा परीक्षित को अकाल मृत्यु का भोग प्राप्त होगा। छोड़ दिया, गंगा का जल गंगा में ही प्रवाहित कर दिया। सुजी महाराज कहते हैं युवान संत थे, तपस्या का फल था, संकल्प प्रमाणित हो गया। इधर राजा जब लौट करे वन से राज्य भवन पहुंचे और वहां जाकर मुकुट उतारा, अब राजा को चिंता हुई, अरे मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया, मैंने एक संत का अपमान किया, अब मुझे जीवन में जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे द्वारा एक संत का अपमान हुआ है। राजा चिंतन कर रहे हैं, दौड़कर श्रृंगी पिता के पास आए। संत शर्मिक की जब समाधि टूटी तो श्रृंगी खड़े खड़े रो रहे थे। ऋषिवर ने पूछा, बेटा क्या हुआ? कहा, पिताजी आपके गले में सर्प है। देखिए कैसे विनोद भाव संत होते हैं। शर्मिक ऋषि ने गले में से सर्प को उठाया है, मानो ऐसे माला उतार कर रख दी हो आसन पर। कहा, किसी संत ने प्रेम के भाव से डालकर चला गया होगा। नहीं पिताजी, यहाँ के राजा परीक्षित ने अपमान के भाव में आपके गले में सर्प डालकर गया है। शर्मिक ऋषि ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हारे देखने में गलती हुई होगी। यहाँ के राजा परीक्षित तो बड़े ही दयालु हैं, उनकी कृपा से तो हम यहाँ पर हैं, निर्भय होकर विचरण करते हैं। कहा, पिताजी उसी राजा ने आज आपका अपमान किया है। कहा, बेटा मैं नहीं मान सकता। श्रृंगी ने कहा, पिताजी मानो ना मानो, अपमान तो राजा ने ही किया है। परंतु पिताजी आज उस राजा ने अपमान किया है, अब भविष्य में वो राजा किसी का अपमान नहीं कर सकेगा। श्रृंगी की वचन सुनकर शर्मिक ऋषि के नेत्र सजल हो गए। बेटा तुम्हें जाने अनजाने में कोई ऐसा कदम तो नहीं उठाया ना? श्रृंगी ने कहा, पिताजी मैंने श्राप दिया है। शर्मिक ऋषि ने कहा, बेटा ये तुमने ठीक नहीं किया, ये संत का धर्म नहीं है। संत का जीवन है किसी का जीवन दान देना। तुमने एक राजा का जीवन लेने के लिए संत तत्व का प्रयोग किया। बेटा संतों का जीवन ही इसीलिए मिलता है कि तुम दूसरों को जीवन दे सको, और जो संत है दूसरे के जीवन की लेने की भाव रखता है, फिर उसको संत होने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसलिए बेटा आज से मैं श्राप देता हूं पूरे संत जाति को, अगर संत किसी का अनहित चाहेंगे उसका हित होगा, अनहित कभी नहीं हो सकता। और मेरे भाई बहन, ये शर्मिक ऋषि का दिया हुआ ही वरदान है। कोई संत आपको गाली देता है ना, तो उस गाली को अपने जीवन में प्रसाद समझना। संत किसी को गाली देंगे नहीं, यद्यपि अगर संत गाली देते भी हैं
तो उसको जीवन में प्रसाद समझ के ग्रहण कर जाना। निश्चित जीवन में कहीं न कहीं वो गाली आपके जीवन में वरदान साबित होगी। ये श्रमिक ऋषि का भाव है। श्रमिक ऋषि से रहा नहीं गया, गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया, बेटा तुम्हें राजा परीक्षित के महल में जाना है, जाकर राजा से क्षमा याचना करना, बताना राजा को कि हमारा पूरा आश्रम आपका गुनहगार है, आप जो दंड देंगे वो पूरा आश्रम सहजता से हास्य रूप में ग्रहण करेगा। परंतु राजन, अब आपके जीवन में 7 दिन शेष हैं, जो भी करना है कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु भाई ने आपको श्राप दिया है। गौरमुख नाम का शिष्य गुरुदेव की आज्ञा पाकर परीक्षित के महल में गया, जाकर राजा परीक्षित को वंदन किया। राजन, मैं श्रमिक ऋषि का शिष्य गौरमुख हूं। राजन, मेरे गुरुदेव ने एक संदेश भिजवाया है, हमारा पूरा आश्रम है आपका अपराधी है। राजन, आप आश्रम पर गए, गुरुदेव साधना में बैठे हुए थे, आपका आदर सत्कार नहीं कर पाए, पहले तो उस बात के हम दोषी हैं, दूसरा ये कि आपके द्वारा गुरुदेव के गले में सर्प डालने पर हमारे गुरु भाई ने आपको श्राप दिया है कि अब आपके जीवन में 7 दिन शेष हैं। राजन, आप अपनी मृत्यु को मंगल में बनाने के लिए कोई कार्य करें। और गुरुदेव ने ये कहा है, जो आप दंड आश्रम को देंगे वो पूरा आश्रम हंसते हंसते भोग करेगा। परीक्षित ने गौरमुख को दौड़कर अंक में भर लिया। राजा ने इस गुरु शिष्य से क्षमा याचना की, हे ऋषि कुमार, क्षमा याचक तो मुझे होना चाहिए, मैं इतने बड़े भारत का सम्राट राजा होकर मेरा ये नीच कर्म, मैंने एक संत का अपमान किया, तुम्हारे गुरु भाई ने तो मुझे 7 दिन में मरने का श्राप दिया है, मैं तो यही विचार कर रहा हूं कि मैं अपने प्राण कैसे त्यागूं, क्योंकि अब मुझे जीने का अधिकार नहीं है। ऋषि कुमार लौटकर आश्रम पर गया, पीछे से राजा ने अपनी समस्त रानी और बेटों को बुलाया, देखो मेरे जीवन में 7 ही दिन शेष है, अब मुझे राज्य का त्याग कर देना चाहिए। बड़े बेटे जन्मेजय को राजगद्दी पर विद्यमान किया, एक वस्त्र धारण करके तन पर और राज्य का त्याग कर दिया। देखिए मेरे भाई बहन, जब जीवन में आप अगर तीर्थ यात्रा या वानप्रस्थ में भाव में जाते हैं तो संसार के साधन लेकर मत जाओ, नहीं तो आपके अंदर वैराग्य भाव कदापि नहीं आ सकता। राजा परीक्षित ने मानव संसार को मार्ग दिया है, त्याग करें तो सर्वस्व का त्याग करें, केवल उतना वस्त्र धारण करें जितने में आपका शरीर ढक दिया जाए। सूजी महाराज वर्णन करते हैं, हे ऋषियों, राजा परीक्षित ने राज्य का त्याग किया है, वन की ओर चले हैं, गंगा के तट पर जाकर मां गंगा से निवेदन किया है, मां तेरे दर पर जो भी आता है तू उसको तार देती है, ये अभागा भी आज तेरे दर पर आया है, तो मुझे भी मार्ग देना। राजा परीक्षित ने मां गंगा की स्तुति की है, मां कृपा कर,